इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की, तो यूनिट फर्स्ट में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो आपको हीमोडायनेमिक्स के बारे में बताए थे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। अब ब्लड का सर्कुलेशन होने के बाद फिर हम बताए थे कि प्री लोड क्या है, आफ्टर लोड क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, ये सारी बातें हो गई थी, मतलब आपके फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट यूनिट में जो था। तो हीमोडायनेमिक का जो पार्ट है वो समाप्त हो गया था, उसका ट्यूटोरियल भी आप कर लिए थे। अब हम देख रहे हैं इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। क्या है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में थोड़ा पास में आकर के बच्चों को दिखा लीजिए। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हम इसका हार्ट का जो कंडक्शंस होता है, SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर के थ्रू, इस पे बात करेंगे बेटा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ECG के बारे में, जिसमें हम PQRST वेव्स के बारे में जानेंगे, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में जानेंगे, जिसमें इसके बारे में बताएंगे आपको। फिर इसका जो इंटरवल है इसके बारे में बात होगा। फिर एक हर्ट्ज जीन SA की बात होगी, हम आपको बताएंगे। फिर ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिबिलिटी, ये सारी बातें आज हम लोगों को कर लेना है, ठीक है। और अब इस पे हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में क्या है। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं SA नोड, AV नोड और बंडल ऑफ हिस की। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में सबसे पहले देखेंगे कि जो हार्ट का मतलब जो फंक्शन है, कंडक्टिबिलिटी है, वो क्या है SA नोड से, जिसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। यहाँ पे यहाँ से दिखाई, ये है पेस मेकर, जो पेस को मेक करता है, और यहाँ से ये जो है वेव्स आते हैं, और फिर ये AV नोड के पास आते हैं, और AV नोड के बाद ये फिर जो है ऐसे आप देखेंगे तो ये बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, ये बंडल ऑफ हिस हो गया, और फिर पुरकिंजे फाइबर से ये जो है ऐसे आप देखेंगे तो पुरकिंजे फाइबर के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि SA नोड, AV नोड और बंडल ऑफ हिस। अब देखिए SA नोड पेस को सेट करता है, SA नोड पेस को सेट करता है, पेस को SA नोड पेस को मेक करता है, सॉरी SA नोड पेस को मेक करता है, मतलब पेस को बनाता है, पेस को पेस मेकर है, पेस मेकर है। जबकि AV नोड को हम बोलते हैं पेस सेटर, पेस मेकर एंड पेस सेटर। तो पेस मेकर ये हो गया और ये हो गया पेस सेटर। जैसे गाड़ी का जो एक नंबर का गियर है वो है आपका पेस मेकर, जस्ट टू पेस्ट इनिशिएशन है। अब इसके बाद से गाड़ी का दो नंबर लगना, तीन नंबर लगना और चार नंबर लगना, तो जितना शुरू का जो पेस होगा वो डिपेंडेंट करेगा कि दो नंबर तीन नंबर में कैसे गाड़ी जाएगी। अगर किसी को ओवरटेक करना है तो एक नंबर में आपको पिकअप करना, एक नंबर में आपको एस्कलरेट करना पड़ेगा, फिर दो नंबर में एस्कलरेट करना पड़ेगा, तब तुरंत आप उसको पिकअप कर पाएंगे। तो ओवरऑल क्या बात है, SA मोड जो है पेस को मेक करता है, और जो पेस बनता है उसको AV नोड पिकअप कराता है। क्या कराता है? पिकअप कराता है। SA नोड से जो भी पेस बनते हैं, जो भी इंपल्स जनरेटर होता है बेटा, उसको AV नोड क्या करता है, उसको पेस को आगे बढ़ाता है, AV नोड पेस को बढ़ाता है, इसको हम बोलते हैं पेस सेटर। और फाइनली एक शब्द में बोल देते हैं कि ये जो है SA नोड के दिए गए इंपल्स को AV नोड पिकअप कराता है। क्या बोलते हैं? पिकअप कराता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग SA नोड को यहाँ पे कार्डियो एसिलेटरी सेंटर भी बोलते हैं, कार्डियो एसिलेटरी सेंटर। यहीं से हम हार्ट रेट को घटा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, और फिर वेगस नर्व के बारे में वो आप जानेंगे। तो दैट इज अबाउट द SA नोड एंड AV नोड, SA नोड एंड AV नोड। अब इस पर और भी जो बात होगी उस पर हम बात करेंगे। अब आते हैं ECG के बारे में। इसके बारे में ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एक जो है आपका पी वेव्स है, फिर क्यू वेव्स है, आर है, एस है और टी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो PQRST इंटरवल है, जैसे PQ वेव्स क्या बताता है, ये आर्टेरियल डिपोलराइजेशन को बताता है, फिर QRS क्या बताता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, और टी वेव्स क्या बताता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बेटा जो पी वेव्स है वो आर्टेरियल डिपोलराइजेशन है, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, यहाँ से रफ कर लेते हैं, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन है, आर्टेरियल जो आर्टेरिया हमारा है, यहाँ पे लेफ्ट का हो, राइट का हो, लेफ्ट का हो, ठीक है। तो आर्टेरियल डिपोलराइजेशन है, मतलब जो प्रोपगेशन होता है इम्पल्सेस का वो उसके बताता है कौन, पी वेव्स। और QRS बताते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, क्या बताता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन।
इसके बाद से टी वेव्स है, अब ये आ जाएगा आपका वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो अब इसमें एक और भी चीज़ है जिसको अभी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, जो एक हम कार्डिक सेटिंग में भी पढ़ेंगे, जो एक होगा आपका आर्टिकल सिस्टोल और यहाँ होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और यहाँ होगा कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो ये आर्टिकल सिस्टोल ये होता है 0.1 सेकंड का, ये होगा 0.3 सेकंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये होगा 0.4 सेकंड का। फाइनली जो हमारा हार्ट साइकिल आएगा ये आएगा 0.8 सेकंड का। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि कंडक्शन कैसे होता है हार्ट में, इंपल्स का कंडक्शन। देखिए दो चीज पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछता है कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट और सर्कुलेटरी सर्कुलेशन कैसे होता है। सर्कुलेशन में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में कई सारे बच्चे ये फिगर बना देते हैं, राइट आर्टेरिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग में जाता है, एंड सो ऑन। ये नहीं है, वो सर्कुलेशन की हम बात करते हैं। कंडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, आपको जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तभी भी बताया था, कंडक्शन में एसए नोड एवी नोड बंडल ऑफ हिस के बारे में हमको बात करना है, जबकि सर्कुलेशन में तब हमको डबल जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में बात करना है। अब देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हमारा ये वाला क्वेश्चन आपको अभी आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके बाद से आप पढ़ेंगे कि कौन सा ड्रग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या करता है, तब डिटेल में आपको पूरा जो यूनिट का जो थीम है, जो एम है, जो गोल है बेटा, वो आपको पढ़ना है। क्या फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन अदर वर्ड द ड्रग दैट आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली इफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है एंड इट्स फार्माकोलॉजी। तो अब देख लेते हैं, तो सबसे पहले कि ये क्लियर हो गया, बार बार बता रहे हैं। दूसरा हम आपको बताएं ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और तीसरा ये हम आपको बताएं कार्डियक साइकिल CC से देख लेना था। कार्डियक साइकिल में तीन फेज होता है, एक आर्टिकल सिस्टोल है, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और एक कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। आर्टिकल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है 0.3 सेकंड का, और ये 0.4 सेकंड का कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब इसके बाद से हमारा एक और इसमें आता है कि इधर रफ कर लेते हैं, रफ करके आपको बताते हैं। अब इधर हम रफ कर लेते हैं, इधर रफ के लिए बता रहे हैं आपको, ये जो चीज़ें लिखी गई है इसको मैं इधर रफ कर लेता हूँ। और रफ करने के लिए जैसे यहाँ पे पी है, कि मैं आपको दिखाया हूँ कि ये पी वेव्स है, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे फ्लिप करके ऐसे दिखाया, ये क्यू हो गया, फिर थोड़ा सा मैं चल आया और फिर इसके बराबर ला कर ऐसे कर दिया, ए हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, टी। आराम से समझना है, पढ़ाना है हमको, सिलेबस पूरा कंप्लीट हम करेंगे। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे ITM के जो बच्चे पढ़े रहे हैं और भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, इसको अच्छी बात है। इस कोरोना काल में जिसका भी मतलब हमारे तरफ से उपकार हो जाए, बच्चे फायदे में आए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो डाल रहा हूँ 200 व्यूज चला जा रहा है एक दिन में, 5 आवर में 6 आवर में, तो कैसे हो रहा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़े उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े सबको फायदा होना चाहिए कोरोना काल में। ये पी वेव्स के लिए हम देख रहे थे कि कोई इंटरवल अगर हम बनाएं, जैसे मान लीजिए पी वेव्स यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये आर वेव्स है, यहाँ पे आर, तो आर वेव्स के बीच को बीच का हम पोर्शन ले लें, इसके बीच का जो इंटरवल होगा क्या होगा, पी आर इंटरवल। तो पी अगर पी आर इंटरवल की अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे पी क्या था, आर्टिकल डिपोलराइजेशन था, और क्यू आर एस क्या था, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन था। तो पी वाला आर्टिकल डिपोलराइजेशन और थोड़ा सा इसका हाफ वाला वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, तो तभी भी ये एक से ज्यादा होगा, कभी भी एक से ज्यादा होगा 0.1 सेकंड से ज्यादा होगा, कभी भी 0.1 सेकंड से ज्यादा होगा। इसी तरीके से अगर हम क्यू को ले रहे हैं, यहाँ से क्यू को, और यहाँ से हम जा रहे हैं टी तक, इसको हम बोलते हैं क्यूटी इंटरवल। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्यूटी इंटरवल, इस तरह से क्यू आर एस टी इंटरवल। तो देखिए क्यूटी इंटरवल का कई सारे ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट है जो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन करता है। क्या नाम है उसका, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। इसका दूसरा नाम है टॉर्सेट डी पॉइंट, ध्यान से दिखाइए इसको, टॉर्सेट डी पॉइंटिस, इसका नाम है टॉर्सेट डी पॉइंटिस। इसका और भी एक दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फिक, क्या नाम है, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया मैक्सिमम ड्रग्स में, जैसे ये लियोफ्लॉक्सासिन के बाद में गेटिफ्लॉक्सासिन आया था, या जेमिफ्लॉक्सासिन आया था, या कई सारे और भी ड्रग्स मैक्सिमम आते, सिलिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, रेफिकॉक्सिब, सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं, कई सारे ऐसे ड्रग्स थे। जैसे अभी एक ड्रग आया था टैक्सीराड मैलेट, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स के लिए यूज हुआ था,
कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं मार्केट में अवेलेबल थे जिसको बाद में हटाया गया, तो वो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन से हटा लिया गया। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन क्या है? टॉर्सेट डिफोन्टिस है, और टॉर्सेट डिफोन्टिस का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो मैक्सिमम ड्रग जो लॉन्च हो जाता है फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, इसके बाद से भी पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस या फार्माकोविजिलेंस के बाद भी ड्रग में कुछ रिसर्च होता रहता है, और उस रिसर्च से हमको क्या मिलता है कि ड्रग में कोई और भी एडवर्स इफेक्ट है तो इसे आपके समझने की बात यह है कि ड्रग को थर्ड फेज के बाद फोर्थ फेज में हम क्यों लाते हैं। तो आप पढ़े होंगे जैसे लिमिटेड पेशेंट्स में और लिमिटेड डिजीज में, जिस डिजीज पर रिसर्च करके उस ड्रग को हम बनाते हैं उसी को हम ऐसे करते हैं, मतलब उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्टिकुलर डिजीज पे इस पर्टिकुलर मतलब ड्रग्स का क्या इफेक्ट है, अगर सही है तो लॉन्च कर लेते हैं। लेकिन जब वो ड्रग लॉन्च हो जाता है फाइनली, तो वो पर्टिकुलर डिजीज के लिए लॉन्च हुआ है, वो तो बीमारी किसी पेशेंट को है ही है, कोई दूसरा या तीसरा या उसके साथ कई सारे अदर कोमॉर्बिडिटी डिसऑर्डर्स हैं, पर उस बीमारी के साथ कई बीमारी और है या पहले से उसको, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को कोई बीमारी है, टाइफाइड है, वो है, मान लीजिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, तो टीबी के लिए मेडिसिन आपने बना दिया, अब टीबी के लिए ही आपने उसको लॉन्च किया था, लेकिन अब वो बीमारी टीबी को ठीक कर रही है। लेकिन कई बार वो यूज होता है कि जिसको टीबी का पेशेंट है, साथ में वो एड्स का भी पेशेंट है, वो डायबिटीज भी है, वो हाइपरटेंशन भी है, और साथ में टीबी है, तो टीबी वाला तो दवाई खाएगा, लेकिन जब लॉन्च होता है तो टीबी की दवाई के लिए हम उसको लॉन्च किए थे है? लेकिन अब उसके साथ उसको चार पांच डिजीज है, अब उस कंडीशंस में क्या होता है, तो अभी हम उसको एसेस करते हैं तब उसको, क्योंकि 400 से 500,000 पेशेंट्स पे हम लोग थर्ड ट्रायल तक आकर के हम कर लेते हैं। लेकिन अब जब पूरे वर्ल्ड में उसको यूज हो रहा है तब उसको लेते हैं, फिर वहां पर भी मैक्सिमम ड्रग्स में ऐसा पाया गया कि क्यूटी इंटरवल प्रो, आप ध्यान से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम काम की बात आपकी हो रही है। ये कई बार जी पैट में, अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो पीजी में कई बार पूछ चुका है, पीजी के मेडिकल में पूछा जा चुका है, फार्मेसी में भी पूछा जा रहा है, क्योंकि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो कोई भी इस वीडियो को देखो तो हमारा बताना काम है। तो टॉर्सेट डिफोन्टिस, दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो एक जो है WHO की तरफ से गाइडलाइंस आता है जिसको CDC देखता है, अमेरिकन में CDC देखता है, सेंटर ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल वो देखता है। उसने कहा कि क्यों नहीं अब हम ड्रग बना दिया, 10 साल 15 साल 18 साल हो गया, लॉन्चिंग हो गया, पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस भी पास कर गया, अब उसके बाद से ये एडवर्स इफेक्ट पकड़ा गया, फिर ड्रग को मार्केट से निकालना है, तो क्यों नहीं इनिशिएशन स्टेज में ही उस डिजीज को हम पता कर लें। तो एक जीन, उस डिजीज के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन का नाम है हर्ज जीन, उस जीन का नाम है हर्ज जीन, हर्ज उसका नाम है हर्ज जीन। ये आपका एम फार्म पीजी एमडी में फार्माकोलॉजी में भी, और ये यूजी में और जीपेट में भी कई बार ये पूछा, जीपेट में एक बार पूछा है, बट वो ऑप्शन में मिलाने के लिए बहुत इजी करके पूछा था, टफ करके नहीं पूछा था, मतलब आप मिला सकते हैं। तो ह्यूमन ईगो जीन इसको बोलते हैं, ह्यूमन ईगो रेगुलेटरी जीन इसको हम बोलते हैं। अगर जिसमें ये जीन होगा तो वो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन करेगा। तो अगर पहले ही अगर हम इसको पता कर लेते हैं तो क्या होगा, ये ड्रग जो है इतना कास्ट लेने के बाद रिवर्स बैक होने की चांस नहीं है। अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन है तो वहां पे उसको हम लोग रोक देंगे। तो यहीं पे हम आपको बता दिए क्या था, हर्ज जीन ऐसे हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हर्ज जीन ऐसे। इसके बाद से है कि मायोकार्डियम में आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, कंडक्शन बता दिया, ECG बता दिया, ECG में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन क्यों होता है बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मायोकार्डियल फाइबर्स की अगर हम बात करें, मायोसाइट्स की, तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक होती है ऑटोमेटिसिटी। क्या नाम है, ऑटोमेटिसिटी। दूसरा है बेटा एक्साइटेबिलिटी। क्या नाम है, एक्साइटेबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, एक्साइटेबिलिटी, ऑटोमेटिसिटी। और तीसरा है कंडक्टिविटी, मतलब इसमें प्रॉपर्टी होती है कि ऑटोमेटिसिटी होता है, लाइफ टाइम तक जो है ऑटोमेटिक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, रिलैक्स करता रहता है, सिस्टोल बनाता रहता है और डायस्टोल बनाता रहता है, इसको हम लोग रिदमिक भी बोल सकते हैं, रिदमिक कंट्रैक्शन और रिदमिक रिलैक्सेशन। फिर एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट होना। फिर इसके बाद से कंडक्टिविटी, मतलब एक साइकिल को फॉलो करते हुए कंडक्टिविटी करना ऐसे हो रहे। फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, तो ये चार प्रॉपर्टीज के पास है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, AEC। तो AEC को हम लोग सी को स्क्वायर कर लेते हैं कि ए हो गया, ई हो गया, सी दो बार हो गया, ये मायोसाइट्स की प्रॉपर्टी होती है। अब दूसरा है कि किस तरीके से इसमें जो कंडक्शन होता है, जैसे जो इंपल्स का कंडक्शन होता है SA नोड से AB नोड बंडल ऑफ हिस्सा पुकिंजे फाइबर के थ्रू, तो इसमें ये कैसे होता है, अगर हम किसी नर्व्स की बात करें तो नर्व्स में हम बोलते थे कि ये प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स है और ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स है, तो बाहर की तरफ प्लस 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 होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस। तो इसको हम रफ करें, अगर यहाँ पे रफ में मैं दिखाऊं, ये माइनस माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस है, और फिर यहाँ पे अगर ये पोलराइजेशन फेज है, ये भी पोलराइजेशन फेज है और भी पोलराइजेशन फेज है। तो पोलराइजेशन फेज में मैं यहाँ पे दिखाया हूँ
ये प्लस प्लस रहता है बाहर, मतलब एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड बाहर रहता है और इंट्रा सोलर फ्लूइड अंदर रहता है, अंदर। तो यहाँ पे प्लस प्लस रहता है, ये अंदर की तरफ माइनस माइनस रहता है। लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगरिंग होता है, कोई केमिकल्स आता है या कोई भी ऐसा चीज आता है, तो क्या होता है, इस समय सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, मतलब बाहर से सोडियम अंदर आता है और बाहर से जब सोडियम अंदर आएगा इसको इन्फ्लक्स बोलेंगे, तो अंदर वाले को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, और अंदर से पोटेशियम बाहर जाता है तो इसको क्या होता है, बाहर निगेटिव बना देता है। तो फाइनली अगर हम इसको पूरा एक प्रोपगेट करें तो देखेंगे कि एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड सोडियम बाहर है, इंट्रा सोलर फ्लूइड पोटेशियम अंदर है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगरिंग होती है तो पोलराइजेशन फेज में -70 मिलीवोल्ट इनसाइड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट ऑलरेडी रहता है, -70 मिलीवोल्ट। लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर आता है, कोई इंपल्स आता है, कोई फिजिकल या केमिकल कोई भी मीडिएटर आता है जो उसको ट्रिगर कर देता है, जैसे ये यहाँ पे हमारा हाथ है तो कई बार आपको बताया ये पोलराइज स्टेट में है, अब हम इसको यहाँ पे टच किए, क्या कर फिजिकल टच रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो टच रिस्पॉन्स देखें तो जो सुपरफिशियल यहाँ पे नर्व्स होंगे तो टच रिस्पॉन्स से क्या होंगे यहाँ पे, अभी तो ठीक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट। अब हम यहाँ पे जैसे टच करेंगे बेटा तो अब क्या होगा, एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड से सोडियम अंदर जाएगा और पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है। तो इस केसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, क्या बोलते हैं डीपोलराइजेशन, सोडियम अंदर आ गया और पोटेशियम बाहर चला गया। लेकिन अब सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है तो चूंकि दोनों मोनोकेटाइंस है, मोनो मतलब एक ही उस पे मोनोआयनिक केटाइंस है, तो अब जितना सोडियम अंदर आया उतना ही पोटेशियम बाहर गया, क्योंकि देखा जाए तो फाइनली जितना पॉजिटिव चार्ज लास्ट वो उतना पड़ा, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कोई यहाँ पे जो वो हुआ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा सोडियम की परमेबिलिटी ज्यादा होती है और पोटेशियम की परमेबिलिटी कम होती है, और सोडियम की परमेबिलिटी ज्यादा होने के चलते क्या हो जाता है कि जो यहाँ पे जो सेल की इंटीग्रिटी होती है वो लॉस हो जाता है और उस स्टेज को अचीव कर लेता है क्या, डीपोलराइजेशन में, किसमें कर लेता है डीपोलराइजेशन में। फाइनल स्टेप में अब सोडियम अंदर आया है और पोटेशियम बाहर गया है तो क्या होगा, पहले वाले स्टेज को फिर अपने वाले में लाना है, पोलराइज स्टेज को लाना है, तो उसको बोल देंगे रीपोलराइजेशन। फिर ध्यान से समझिए, सोडियम बाहर था पोलराइजेशन स्टेज में और पोटेशियम अंदर था, डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, पोटेशियम बाहर गया सोडियम अंदर आया, और रीपोलराइजेशन में क्या होना है कि जो पहले वाला पोलराइजेशन स्टेज था उसको अचीव करना है, तो डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आया था इसको हम बाहर भेजेंगे, ये बाहर जाएगा, और पोटेशियम जो बाहर गया था ये अंदर आएगा। इसके लिए एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। क्या नाम है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। आपको याद आ रहा होगा मैं आपको पढ़ाया था सोडियम पोटेशियम पंप में, ये क्या करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, तो डीपोलराइजेशन फेज में जो सोडियम आया था इसमें से तीन सोडियम को लेकर के बाहर भेजता है, और पोटेशियम को ये दो पोटेशियम को बाहर से अंदर भेजता है। इसका मतलब ये कि जो सोडियम की परमेबिलिटी ज्यादा है और पोटेशियम की परमेबिलिटी कम है, तो उसी के अनुसार जो रिपोलराइजेशन वो अचीव कर रहा है, रिपोलराइजेशन अचीव कर रहा है, तो फिर उसी के अनुसार वो सोडियम को ज्यादा बाहर भेज रहा है और पोटेशियम को जो है बाहर से कम यूज कर रहा है, तो ये मेंटेन करने के लिए होता है। अब ये हो गया आपका डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। अगर इसको हम ग्राफ से अगर पढ़ें, अगर इसको हम ग्राफ के फॉर्म में पढ़ें, अगर हम ग्राफ के फॉर्म में इसको हम पढ़ें तो इसको हम देख लेते हैं क्या ग्राफ में, ये ग्राफ हमने बनाया, यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब यहाँ पे फायरिंग पॉइंट है, थोड़ा सा ये होगा, थोड़ा सा ऐसे होने के बाद ये आएगा। अब इसमें क्या है, सोडियम अंदर आया था पोटेशियम बाहर गया था, तो एक पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन बेटा होगा तो कंडक्शन होगी ना, इंपल्स का जनरेशन होगा, इंपल्स की जनरेशन में हमने ग्राफ खींचे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, फिर इसके बाद से सोडियम के चलते थोड़ा सा कैल्शियम आएगा तो थोड़ा बढ़ेगा, फिर उसके साथ क्लोराइड तो थोड़ा फ्लिप होगा, और फिर ऐसे आ करके फिर ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये डीपोलराइजेशन हो गया, इसको हम लोग प्लेटू फेज बोलते हैं, और फिर ये रीपोलराइजेशन है। रीपोलराइजेशन में यहीं पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम करता है, और सोडियम पोटेशियम एटीपेज यहीं पे काम करता है, जो सोडियम को क्या करेगा अंदर से बाहर ले जाएगा, पोटेशियम को बाहर से अंदर ले जाएगा, ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब इसी फेज में हम काम कर लेते हैं, यही काम सेम जो है आपको जो बता रहा था इसी नोड और एबी नोड की भी बात करेंगे। तो जैसे डीपोलराइजेशन होगा, जैसे ऐसे नोड है, ऐसे नोड है, और फिर एबी नोड है, ऐसे नोड से इंपल्स चला, यहाँ से ऐसे 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 नोड से ऐसे ऐसे इंपल्स चला, ऐसे ऐसे इंपल्स आ रहा है, ऐसे ऐसे इंपल्स आ रहा है, अब एबी नोड के पास आया, अब फिर बंडल ऑफ हीट सपोर्ट कीजिए फाइबर के साथ जाएगा। जो इंपल्स का जनरेशन हो रहा है, इंपल्स का जो जनरेशन हो रहा है पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन के थ्रू आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को रोक दें, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम को रोक देंगे तो सोडियम अंदर ज्यादा रहेगा,
सोडियम ज्यादा टाइम के लिए रहेगा और पोटेशियम बाहर ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, तो इससे इफेक्ट हो सकता है। अब इसका आगे काम मिलेगा, इसलिए मैं आपको हिंट कर रहा था कि जो आप जो पढ़ रहे थे ना कि पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन में पढ़ा रहा था, आप सोच रहे थे कहाँ का है, कहाँ का नहीं है, इसमें बहुत ही पूरी अभी हार्ट की जो मैक्सिमम चैप्टर है, मैक्सिमम जो यूनिट है, इसी पे आपका फाइनल हो जाएगा। बस इसी फिगर इसी ग्राफ पे आपको मैं फाइनल कर दूंगा, इसी ग्राफ पे मैं आपको फाइनल कर दूंगा। अब देखिए जो ये ग्राफ बना था, जो ये ग्राफ बना था ऐसे ऐसे करके ऐसे जो ग्राफ बना था, इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। क्या है? देखिए पोलराइजेशन से जो डिपोलराइजेशन होता है उसी को तो बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का आगे बढ़ना। अब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल समाप्त हो गया, मतलब ये क्या है, ये पोलराइजेशन था, ये डिपोलराइजेशन है और रिपोलराइजेशन है, एक साइकिल पूरा हुआ, एक साइकिल पूरा हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, ATD। अब हर्ट के केस में इसको हम लोग बोल देंगे इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या बोल देंगे? इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो अप्रॉक्सिमेटली 0.9 सेकंड का होता है, ऐसे है कई सारी बुक में अलग अलग दिया 0.9 सेकंड का होता है, जिसको हम आगे हार्ट वाले चैप्टर में आपको क्लियर करेंगे। अब चलिए आगे, ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया APD, यहाँ पे लिखा हूँ APD, आप समझ गए एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, लाइट जला लीजिए, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, फिर इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन भी हो गया, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड भी हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पे लिखा हूँ प्लेटोफेज, क्या लिखा हूँ प्लेटोफेज, इसका आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट हमारे पास है, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है सोडियम पोटेशियम मेटाबॉलिज्म, ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सारी चीजें हमने बता दिया। अब आते हैं एक और नया चीज आपको पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है GPAT के लिए। अगर देखिए कोरोना काल चल रहा है तभी हम कुछ कर नहीं रहे, अच्छा शुभ बात हो आगे कोरोना समाप्त हो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिर अगर ऐसा रहता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई बात आ रहा है तो आपको हर दफे टेक्निकल माइंड से अपने को पढ़ना है, हर दफे हर संभव प्रयास अपने को करके रखना है, किसी भी चीज से हमको कभी भी लड़ना हो तो उसके लिए हम हो। तो देखिए एक टर्म आता है आइनोट्रॉपिक, हमने लिखा है यहाँ पे आइनोट्रॉपिक, क्या लिखा है आइनोट्रॉपिक, आइनोट्रॉपिक एक लिखा है, दूसरा लिखा है यहाँ पे क्रोनोट्रॉपिक, एक लिखा है ड्रोमोट्रॉपिक और एक लिखा है लूसीट्रॉपिक, क्या लिखा है लूसीट्रॉपिक, इसको फिगर को दिखाएंगे अभी। चलिए आइनोट्रॉपिक में क्या होता है कि ये फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, जैसा कि अब देखेंगे जो बीटा एगोनिस्ट है, बीटा वन रिसेप्टर जो एगोनिस्ट है, जैसे एडिनलिन, नॉरएडिनलिन, कैटाकोरामाइन साहब जो बोल देते हैं, तो क्या होगा ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है, क्या है ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है, ये फोर्स ऑफ कंट्रक्शन को बढ़ाते हैं। इसमें कुछ और भी ड्रग्स हैं, कैल्शियम का भी जो काम है ये भी पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक का होता है, जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है ये भी बढ़ाता है, मतलब ये भी आइनोट्रोपिक्स को बढ़ाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड ये भी आइनोट्रोपिक, ये भी थोड़ा सा उसको बढ़ाता है, ठीक है, कि ध्यान देंगे आप है। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे मसल कंट्रक्शन होता है, मटिन कंट्रक्शन होता है, यूट्राइन कंट्रक्शन होता है, तो ये क्या होता है एबॉर्शन होने का चांस रहेगा, तो इसके साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन है, एंजियोटेंसिन है, कैल्शियम है, कैल्शियम के बारे में आप जान रहे हैं, कैल्शियम क्या है जब फोर्स ऑफ कंट्रक्शन की बात हो रही है तो एक्साइटेशन कंट्रक्शन कॉपलिंग सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कालमेडुलिन, मैं आपको बताया था ऐसा नहीं कि कुछ फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये कालमेडुलिन और कालसेक्विस्ट्रीन की जो बात की थी, तो कैल्शियम बढ़ाएंगे तो एक्टिन और मायोसिन को पता होगा स्लाइडिंग ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ कंट्रक्शन क्या होगा बढ़ेगा, और फिर कैल्शियम रिवर्स बैक होगा तो रिलैक्सेशन होगा, याद करिए मेरा नोट खोल के देखिए, चलिए आगे बढ़िए। दूसरा है क्रोनोट्रॉपिक, क्या है क्रोनोट्रॉपिक, पहला था आइनोट्रॉपिक, पहला था मैं आपको क्लियर किया हूँ आइनोट्रॉपिक, क्या नाम है आइनोट्रॉपिक, तो क्या है ये आपका फोर्स ऑफ कंट्रक्शन, क्या है फोर्स ऑफ कंट्रक्शन, दूसरा बता रहा हूँ आपका क्रोनोट्रॉपिक, क्रोनोट्रॉपिक में क्या है ये हार्ट रेट के बारे में बात करता हूँ, इसके बारे में हार्ट रेट की, क्योंकि जो हार्ट रेट को इफेक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं क्रोनोट्रॉपिक। अब क्रोनोट्रॉपिक टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एक निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, जो मतलब एक हार्ट रेट को बढ़ाए और दूसरा एक हार्ट रेट को घटाए। तो ये देखिए GPAT का कई बार क्वेश्चन है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक में आता है एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या करेगा हार्ट रेट को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा मतलब टैकिकार्डिया करेगा, मतलब दो तरीके का क्रोनोट्रॉपिक है, एक क्रोनोट्रॉपिक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव को बोलते हैं टैकिकार्डिया जो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, और जो निगेटिव है वो है ब्रेडिकार्डिया जो हार्ट रेट को घटाएगा, तो हार्ट रेट को कौन सा बढ़ाएगा एट्रोपिन, और एट्रोपिन हार्ट रेट को बढ़ाएगा तो इसका जो एगोनिस्ट है जो जिस रिसेप्टर को ये मतलब एंटागोनाइज करता है कौन सा एसिटाइलकोलिन, देखिए यही से अप्रोच मत, अगर ये पॉजिटिव है एट्रोपिन जो है अगर पॉजिटिव हार्ट रेट को बढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा है हार्ट रेट को घटाएगा, घटाएगा नहीं घटाता है, यही है ये आपको पढ़ना है, एसिटाइलकोलिन ब्रेडिकार्डिया करता है जबकि एट्रोपिन क्या करता है टैकिकार्डिया करता है, आपको ये याद रहेगा तो कभी भी आप लाइफ में नहीं भूलेंगे, क्या है कि एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट को डाउन करता है और एट्रोपिन हार्ट रेट को बढ़ाता है। फिर डोपामाइन लिखा हूँ, डोपामिन भी हार्ट रेट को बढ़ाता है, सब जो जानते हैं एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन डोपामिन, ठीक है,
इसका मतलब थियोफाइलिन, थियोफाइलिन भी एक ड्रग है जो आपको परब्रह्म के अस्तित्व में यूज होता है, ये भी जो है आपको बढ़ाता है। फिर बीटा ब्लॉकर, अगर नेगेटिव की बात करें तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जैसे एटीनोलाल, प्रोपेनोलाल, मेट्रोपोलाल, बिस्प्रोलाल, ये सब जितने भी ड्रग्स हैं, ये जितने भी लाल ड्रग आप पढ़ते हैं, बिस्प्रोलाल, मेट्रोपोलाल, एटीनोलाल, ठीक है, लबिडोलाल हैं, लबेटोलाल, टिंडोलाल हैं, ये सब जितने भी ड्रग्स हैं ये बीटा ब्लॉकर हैं, ये क्या करेंगे हार्ट रेट को डाउन करेंगे। दूसरा डिजिटेलिस, डिजिटेलिस अभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपको पढ़ना है, ये भी ब्रेडिकार्डिया करता है, ये भी नेगेटिव प्रोनोट्रॉपिक है। अब दूसरा है ब्रोमोट्रॉपिक, ब्रोमोट्रॉपिक वो ड्रग्स होता है जो ब्रोमो मतलब रनिंग को, कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है कंडक्शन वेलोसिटी को। तो एक आपने पढ़ा एमोट्रॉपिक, दूसरा पढ़ा क्रोमोट्रॉपिक, और तीसरा आप पढ़ रहे हैं ब्रोमो, यहाँ पे आप दिखाइए ब्रोमोट्रॉपिक, क्या नाम है ब्रोमो, जो कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाए, मतलब ऐसे नोड से जो एवी नोड के आ रहा है आगे इसके लूसीट्रॉपिक, वेरी 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 नाइस वर्ड। तो एनोट्रॉपिक, क्रोनोट्रॉपिक, ब्रोमोट्रॉपिक एंड लास्ट इज द लूसीट्रॉपिक। लूसीट्रॉपिक क्या है, ये रिलैक्सेशन के बारे में बताता है, इसे कंट्रक्शन के बारे में क्रोनोट्रॉपिक बताता है, उसी तरीके से लूसीट्रॉपिक रिलैक्सेशन के बारे में बताता है। देख लेते हैं कंट्रक्शन, जैसे मान लीजिए ये रिलैक्सेशन फेज है, ये क्या है हमारे हाथ की तरफ देखिए, ये रिलैक्सेशन फेज है और ये क्या है कंट्रक्शन फेज है, कंट्रक्शन रिलैक्सेशन। तो जितना ज्यादा रिलैक्सेशन होगा उतना फोर्सफुल कंट्रक्शन होगा, देखिए किसी चीज को जितना वो रिलैक्स होगा, जितना वो दूर जाएगा फिर उसको कंट्रैक्ट होने का पूरा बहुत तगड़ा कंट्रक्शन होगा रिलैक्सेशन। अब तो वेरी सिंपल एक एडवाइस कर रहा हूँ, गाइडन एंड हाल आप पढ़िए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ऐसे सीधे खड़ा होकर के आपसे लेक्चर ले पा रहा हूँ ड्यू टू द रिलैक्सेशन, कंफ्यूज आप मत होइए, कंफ्यूज होइए और गाइडन पढ़िए, ठीक है। क्या है खड़ा हो इसलिए रिलैक्स में, हमारे मसल्स रिलैक्स में, अगर कंट्रैक्ट में होते जैसे हम चलते हैं या बाइक चलाते हैं या छिड़ी छिड़ी मेड़ बंदी पे चलते हैं तो कंडक्शन तेज होता है, कंडक्शन तेज होता है, रिलैक्सेशन फेज में हम कम आते हैं तुरंत गिर जाते हैं, चाहे बाइक हो चाहे कोई भी रस्सी पे हम चल रहे हो तो रिलैक्सेशन फेज है। रिलैक्सेशन फेज में क्या होता है, रिलैक्सेशन फेज में ये है कि हम खड़ा हो यहाँ पे हो पा रहे, उसी तरीके से हार्ट में क्या है रिलैक्स फेज में आएगा। तो रिलैक्सेशन के लिए हम लोग कहते हैं लूसीट्रॉपिक, ये क्या है ये डायस्टोलिक रिलैक्सेशन को बताता है, किसको बताता है डायस्टोलिक रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को बताता है। तो एनोट्रॉपिक फोर्स ऑफ कंट्रक्शन, क्रोनोट्रॉपिक हार्ट रेट, ब्रोमोट्रॉपिक कंडक्शन वेलोसिटी, लूसीट्रॉपिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार टर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अब एक और है फ्रैंकस्टाइन फिनोमेना, एक और भी पढ़ना है इसमें, आप पढ़ रहे थे ना इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये भी एक आपको फार्मूला बता देना है कि क्या है फ्रैंकस्टाइन फिनोमेना, लिख लेते हैं फ्रैंकस्टाइन लॉ, आप लिख लीजिए फ्रैंकस्टाइन लॉ, फ्रैंकस्टाइन लॉ, फ्रैंकस्टाइन लॉ क्या है, फ्रैंकस्टाइन लॉ स्ट्रोक वैल्यूम और इनडायस्टोलिक वैल्यूम के रिलेशन को बताता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रैंकस्टाइन लॉ इनडायस्टोलिक वैल्यूम और स्ट्रोक वैल्यूम के रिलेशनशिप को बताता है, मतलब इनडायस्टोलिक वैल्यूम जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा आपका प्रीलोड होगा, इनडायस्टोलिक वैल्यूम मतलब प्रीलोड, कई बार बता चुका हूँ, जितना ज्यादा प्रीलोड होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वैल्यूम उसके, अगर सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं तो है, अगर आपका इनडायस्टोलिक वैल्यूम ज्यादा है मतलब रिटर्निंग ब्लड बॉडी में से ज्यादा आया है तो उसी के अनुसार सिस्टोल भी बढ़ेगा। ये बताए हैं कौन फ्रैंकस्टाइन लॉ, सिस्टोल नहीं बढ़ेगा स्ट्रोक वैल्यूम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा स्ट्रोक वैल्यूम, जब स्ट्रोक वैल्यूम बढ़ेगा तो इसका कैलकुलेशन जब हम कार्डियक आउटपुट से निकालेंगे हार्ट रेट से तो भी बढ़ेगा। तो ये फ्रैंकस्टाइन लॉ क्या कहते हैं, फ्रैंकस्टाइन लॉ आप कहते हैं कि अगर फिलिंग प्रेशर ज्यादा, फिलिंग प्रेशर अगर ज्यादा इंडस्ट्रियल वैल्यूम होगा तो उसी के अनुसार इजेक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, वो स्ट्रोक वैल्यूम भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट फ्रैंकस्टाइन के बाद एक बीमारी है, एक और है वाल टेंशन, एक बताते हैं वाल टेंशन क्या होता है। वाल टेंशन क्या है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय द वेंट्रिकुलर रेडियस, वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो इसका रेडियस कितना है, मैंने बताया कि वेंट्रिकुलर रेडियस कितना है और वेंट्रिकुलर प्रेशर कितना है,
वेंट्रिकुलर रेडियस और वेंट्रिकुलर प्रेशर, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताएंगे। इसको हम बोलते हैं वाल टेंशन। नेक्स्ट है, एक और बीमारी के बारे में आपको बताना है। इस बीमारी का नाम है वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, दो साइंटिस्ट का नाम पता है, फ्रैंक स्टार्लिंग और दूसरे का नाम है बेटा वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। तो वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में क्या होता है, वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में ये होता है कि एक यहाँ पे एसए नोड है, इस एसए नोड के बाद यहाँ पे एबी नोड है, तो यहाँ से जो मतलब वो इम्पल्स आता है एसए नोड से एबी नोड के पास, तो मैं आपको नोड खोलिएगा देखिएगा, आपको मैं बताया हूँ एसए नोड से एबी नोड के पास आने के लिए जो इम्पल्स आता है इसमें 0.1 सेकेंड लगता है। अब जब तक 0.1 सेकेंड लगता है तब तक राइट आर्टेरिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टेरिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ चुका रहता है। राइट आर्टेरिया का ब्लड एसए नोड से मतलब एसए नोड से एबी नोड में जब तक इंपल्स आएगा तब तक आर्टेरिया का ब्लड वेंट्रिकल में भेज देते हैं। अब जैसे ही एक मिनट हो जाता, मतलब एक मिनट पूरा हुआ, ध्यान से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं इतना देर से पढ़ा रहा हूँ, मैं आप पेशेंस रखिए, आपको जी पेट निकालना है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो थोड़ा देखिए। एसए नोड से एबी नोड के बीच में जब तक इंपल्स आता है एसए नोड से चल करके वो गोरखपुर से जब तक आईटीएम तक पहुंचता है, उस बीच में गोरखपुर से आईटीएम आने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, तभी उसी बीच में आप आईटीएम पहुंचे हैं, ठीक है। तो अब इस ड्यूरेशन में 0.1 सेकेंड लगता है, ठीक है। अगर इससे कम टाइम में ही अगर मान लीजिए अगर आ जाए एबी नोड के पास इंपल्स, तो क्या होगा, एसए नोड सॉरी राइट आर्टेरिया से ब्लड अभी राइट वेंट्रिकल में आया ही नहीं तब तक एबी नोड के पास इंपल्स आ गया, तो एबी नोड के पास इंपल्स आ गया तो फिर वेंट्रिकल से फिर लंग में भेज देगा, बात तो समझिए, वेंट्रिकल से लंग में भेज देगा। अभी ब्लड राइट आर्टेरिया से राइट वेंट्रिकल में आया ही नहीं, उसके लिए मिनिमम 0.1 सेकेंड चाहिए, ये बहुत अर्ली पहुंच गया, अभी ब्लड पूरा इसमें आया नहीं, उस बीमारी को हम बोलते हैं वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा, वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। ये क्यों होता है, ये जो एसए नोड होता है इस एसए नोड के अगल बगल में कुछ इस तरह के ट्यूमरोजेनिक सेल बन जाते हैं जो एसए नोड नहीं है लेकिन एसए नोड की तरह से काम करने लगते हैं, और उसका दूसरा नाम है इक्टोपिक फोकाई। क्या नाम है, इक्टोपिक फोकाई, ध्यान से समझिए, हम आराम से पढ़ा रहे हैं, इक्टोपिक फोकाई, या उसका दूसरा नाम बोल सकते हैं इक्टोपिक पेसमेकर। क्या बोलेंगे बेटा, इक्टोपिक पेसमेकर, ठीक है। वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम एरिथमिया में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब एक और भी बीमारी आपको पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, एक होता है प्राक्सिसोमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बहुत बड़ा नाम नहीं है लेकिन ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पीएसवीटी प्राक्सिसोमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। प्राक्सिसोमल मतलब क्या है, प्राक्सिसोम देखिए प्रॉक्सी हो गया, एसएमएस लिख दीजिए प्रॉक्सी एसएमएल, प्रॉक्सी एसएमएस, प्रॉक्सिसोमल, ठीक है, प्राक्सिसोमल, प्राक्सिसोमल अब प्रॉक्सिसोमल मतलब ये होता है कि जैसे बहुत ही इमिडिएटली बहुत ही क्विक रिस्पांस, बहुत ही एकाएक रिस्पांस, जैसे तुरंत आप लाफिंग किसी चीज उधर तो लाफिंग करने लगे, या तुरंत कॉफिंग, जैसे आप कॉफिंग कर रहे हैं लगातार सीख रहे हैं तो इमिडिएट रिस्पांस हो गया, हाँ स्नीजिंग हो गया, इस तरीके को बोलते हैं प्रॉक्सिसोमल। अब सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब हार्ट के सुपरफिशियल रीजन पे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, 150, 200, 250 हार्ट रेट चला जाता है, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और इसी तरीके से एक बीमारी है आर्टेरियल फ्लटर, जब कंप्लीट जो वेंट्रिकल्स होते हैं कंप्लीटली अपने साइकिल को मतलब वो कंट्रैक्शन फेज में नहीं जाते तो होता है आर्टेरियल फ्लटर। एक और है आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, एक है प्राक्सिसोमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आर्टेरियल फ्लटर, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। देखिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात किया हूँ, जो ये नहीं पड़ेगा फिर हार्ट के पूरे चैप्टर में फार्माकोलॉजी समझने में थोड़ा सी दिक्कत आएगी, हालांकि मैं पूरा कोशिश करूंगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो ये नहीं पड़ेगा आगे मैं ये सब टर्म यूज करूंगा आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए और ट्यूटोरियल भी इस पे दूंगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट एक और भी बात है, देखिए मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कमाने के लिए सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, हम जहाँ पे हैं आप करिएगा, अगर आपको तुरंत हमको इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स चाहिए, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं रात में दिन में कभी भी हम आपको यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तुरंत आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, तो आप पढ़ेंगे और हमारा ऐसा कुछ है, जो आपके मन है वो करिएगा। चलिए इसके बाद से हम आपको बोल रहा हूँ कि इक्टोपिक पेसमेकर बता दिया, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन बताया, आर्टेरियल फ्लटर बताया, और प्राक्सिसोमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बताया। अब इसके बाद से हम बताएंगे आगे चल के CHF, क्या बताएंगे CHF। CHF के पहले बस एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ जिसका नाम है पेरिफेरल असिस्टेंस, उसके बाद से ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। पेरिफेरल असिस्टेंस, पेरिफेरल असिस्टेंस क्या है, जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, ये क्या है हार्ट है, हार्ट से ब्लड आ रहा है,
किसी आर्टरी के थ्रू आ रहा है। अब ये आर्टरी के थ्रू यहाँ पे आते आते ये छोटा ये कई पार्ट में चेंज हो जाता है, कई पार्ट में ऐसे कई बार आपको मैं ये फिगर बनाया हुई हूँ, हाँ ये देखिए ये कई बार ये ऐसे है, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ऐसे 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 ध्यान से इस फिगर को दिखाइए भाई प्लीज़, हाँ अब ये देखिए ऐसे आया, फिर यहाँ पे ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, फिर चेंज हुआ, फिर ये देखिए यहाँ से भी ये ब्रांच निकला और फिर यहाँ से भी ये ब्रांच ऐसे निकला, फिर ऐसे निकल करके ऐसे निकला, फिर ये कई जगह कई ब्रांच निकल गया, ये देखिए कई ब्रांच ऐसे निकल गया, फिर यहाँ पर भी कई ब्रांच निकल गया, कई ब्रांचेज निकल गए, इस ब्रांचेज में से भी ब्रांचेज निकल रही हैं, ये देखिए इस ब्रांचेज में से भी निकला, इस ब्रांचेज में से भी ऐसे, तो ये सारे जो ब्रांचेज निकल रहे हैं ये देखिए, तो जो मेन आर्टरी है अगर इसकी इन प्रेशर की बात करें तो जो यहाँ पे प्रेशर होगा ये और जो यहाँ पे प्रेशर होगा ये अंतर होगा, तो जो जो सेंटर से पेरिफेरी पे आप जाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे A1 B1 की तरह से अगर हम पढ़े A1 B1 इज इक्वल टू, जैसे लैपलास फार्मूला पढ़ते थे जैसे A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, क्या नाम है A2 B2, अगर देखेंगे तो जिसका कोई पाइप ले लेंगे अगर उसका एरिया ज्यादा होगा तो उसमें प्रेशर क्या होगा कम होगा, और जिसका एरिया कम होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, यही सेम है मेन जो आर्टरी है सेंट्रल आर्टरी जो हॉट से निकल रही है तो यहाँ पे इसका प्रेशर कम होता है, लेकिन जो जो धीरे धीरे पेरिफेरी में आता है तो आर्टरी आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर माइक्रोवैस्कुलेचर बना लेता है, क्या बना लेता है माइक्रोवैस्कुलेचर, वो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो ये बताइए अब ये मान लीजिए कि इसका रेडियस मैं बोला हूँ कि ये ऐसे है, इसका रेडियस यहाँ पे इतना है, अब इसको मैंने यहाँ पे एक ऐसे बांट दिया, ये देखिए ये मैं इसको ऐसे बांट दिया, फिर मैं इसको ऐसे बांट दिया, फिर मैं इसको ऐसे बांट दिया, फिर ऐसे बांट दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, एक में से मैं इतना बनाया तो जो यहाँ पे एग्जैक्टिंग प्रेशर होगा वो यहाँ पर भी होगा, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे प्रेशर इसमें क्या होगा बढ़ेगा, तो ये बैक प्रेशर करेगा, क्या करेगा बैक प्रेशर करेगा, करेगा ना, या मान लीजिए यहाँ पे किसी आदमी की आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया या ब्लॉकेज हो गया, या मान लीजिए यहाँ पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, तो मान लीजिए कि यहाँ से ब्लड तो इसमें आएगा आएगा ये आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज है तो बैक प्रेशर क्या होगा, यह बैक प्रेशर करेगा, आगे प्रेशर इजेक्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन जाएगा नहीं, तो क्या करेगा सब बैक प्रेशर करेंगे, क्या करेंगे ये सब बैक प्रेशर करेंगे भाई, ये ब्लड दबाने की आगे कोशिश करेगा, ये ब्लड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो माइन्यूट कैपिलरी है माइक्रोवैस्कुलेचर है वो क्या करेगा उसमें ब्लड उतना प्रेशर से नहीं जाएगा, जितना प्रेशर यहाँ पे कम है आगे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या करेगा, एक तरीके से हम देखें तो एक फोर्स आगे लग रहा है और जिसको उसको अपोज कर रहा है तो क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल रेसिस्टेंस, इसका दूसरा नाम है इम्पीडेंस, क्या नाम है इम्पीडेंस, क्या नाम है इम्पीडेंस, बाकी की बात जो है हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ओके थैंक यू।